स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को रांची स्थित सदर अस्पताल में कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। बन्ना गुप्ता ने पीपी किट पहनकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, इसे लेकर डॉक्टरों और कर्मचारियों से भी बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से भी फीडबैक लिया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को लेकर निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि मरीजों को सारी सुविधा मिले जिससे वो जल्द से जल्द कोरोना से उबर सके। ये हम अभी आईसीयू और ये सब देखने गए थे। आईसीयू में जो मरीज हैं, अचानक हम जान के गए कि उनकी स्थिति क्या है, समझ में आनी चाहिए। और हम स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम अपने सहकर्मी की मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के IGIMS पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और कोरोना पर राजनीति नहीं करने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक 11 करोड़ वैक्सीन का डोज लग चुका है और जिन राज्यों में वैक्सीन खत्म हो जा रही है वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पटना एम्स को कोरोना वायरस डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करने की मांग रखी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत कर PMCH और NMCH में बेड बढ़ाने की भी मांग रखी गई है। कि हम लोग सभी मंत्रीगण जाएं और देखें कि इस टीका उत्सव में कोरोना के कैसा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टरों से मिलें। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि आज मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आऊंगा। डॉक्टर विश्वास की मंडल जी, उनकी सारी टीम से मुलाकात हुई और यहाँ मैंने देखा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत ही उत्साह से काम चल रहा है और जो अपेक्षा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो कोरोना की लड़ाई में, तो वो काम चल रहा है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 19 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें रांची और धनबाद से 8-8, पूर्वी सिंहभूम से 2 और लोहरदगा से 1 मरीज शामिल है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 21,24,769 लोगों को पहले ही डोज दिया जा चुका है। इनमें 16,93,093 लोग 45 वर्ष से ज्यादा के उम्र के हैं। जी, अब टीका आप ले लिए या लेने आए हैं? लेने आए हैं। डॉक्टर तो बोलेंगे कि भाई आप लोग भी ले लीजिए, आदमी के भलाई के लिए टीका चल रहा है, टीका लेना जरूरी है, टीका लेने से फायदा होगा। कोरोना के भीषण प्रकोप को लेकर बिहार के तमाम मठ मंदिरों पर ताला तो लगा है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में आस्था को लेकर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। जय श्री राम और जय माता दी के जय घोष से गूंजने वाला राजधानी पटना भले शांत और एकांत में डूबा हो, लेकिन चैत्र नवरात्र को लेकर पटना के पटन देवी मंदिर में भक्तगण हाजिरी लगाने जरूर पहुंच रहे हैं।